रांची के होटल बीएनआर में प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए एक कन्वेंशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षक मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद समाज के कुछ वर्गों में शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुधार की काफी जरूरत है। सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरे सामने काफी चुनौतियां हैं, लेकिन सभी के सहयोग से इन चुनौतियों को अवसर में बदल देंगे। मेरा सहयोग है, धरातल पर लेके चलिए, चाहे एसएमसी के अधिकार हो, संजीका के जो अधिकार है, उस अधिकार को पहले वो बताइए क्या मेरा अधिकार, अपने अधिकार जान जाएगा तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकार जानना चाहिए पर पहला, और इसमें इसका उद्देश्य था कि एक बार कोविड के बाद मंत्री से आम लोगों का कन्वर्सेशन कराया जाए, आम लोगों की बातचीत कराई जाए कि विद्यालयों की क्या स्थिति है। इसका एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने बनाया जो मंत्री महोदय को दिया हम लोगों ने, और उन्होंने उत्साह दिखाया था कि हम आके बात मिलना चाहते हैं सबसे। उसी के संदर्भ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इन दोनों को मिला करके कैसे हम लोग जो विद्यालय प्रबंधन समिति की जो जिम्मेवारियाँ हैं, उन जिम्मेवारियों को हम लोग कैसे सुनिश्चित कराएँ ताकि हमारे स्कूलों में सुधार हों। अभी करीब 4.5 से 5,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक ही